व्हाट्सअप एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट के इस खूबसूरत वर्ल्ड में, जहां आज हम जाने वाले हैं वेनस प्लैनेट पर, यानी कि शुक्र ग्रह पे। लेकिन वहां पे हम टूर के लिए नहीं, बल्कि एक महाकाई मॉन्स्टर को मारने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो में। ओके गाइस, तो ये हम आ गए हैं अपने शानदार वर्ल्ड में, और इस वर्ल्ड में आने के लिए मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि यही वो वर्ल्ड है जिससे हम आज जाने वाले हैं स्पेस में। और वेट, वहां पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ लगता है, शायद हमारे लिए होगा, चलो जाके देखते हैं। ये पहुंच गए हम, और वाव, यहाँ पे एक आयरन की पिकेक्स भी है और एंडर चेस्ट भी है। तो सबसे पहले हम आयरन की पिकेक्स ले लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है, हे अल्फा, आई एम वेनस, यूज दिस एज हेल्प। ठीक है, तो चलो इसे खोलते हैं। ओ वेट, यहाँ पे कुछ लिखा है, वार्निंग। ओ वैसे भी हम वार्निंग को कभी पढ़ते ही नहीं। ओके, तो वार्निंग को इग्नोर करते हुए हम अपनी चेस्ट को खोलते हैं। ओ ये सब क्या है? अच्छा, हमारे लिए स्पेस में जाने का सामान है, नाइस। ठीक है, तो हम सब ले लेते हैं। सबसे पहले हेलमेट, फिर चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स और बूट्स। वाव, रॉकेट फ्यूल भी है, इसे भी ले लेते हैं। और 15 अनचेंटेड एप्पल, भाई साहब एक नंबर गाइस। वेनस स्वॉर्ड, स्पाइडर स्टेफ, वेनस सेप्टर, ऐसे काफ़ी नई चीज़ें हैं ये सब। एक बो भी है, 5 एरोस भी रख लेते हैं। और ये क्या है? टायर 3 बोस पोशन, डायरेक्ट टायर 3, और वो भी 64, यानी एक्स टेक पोशन। और ये इतने सारे रॉकेट का मैं क्या करूँगा भाई, एक ही काफ़ी है, फिर भी ले लेते हैं, अपने ही काम आएंगे। वैसे ये स्वॉर्ड कुछ खास दिख नहीं रही, गोल्डन स्वॉर्ड जैसी ही है, लेकिन हाँ इसका अटैक डैमेज तो भाई नेदरराइट स्वॉर्ड से भी ज़्यादा है। और वाह, ये तो अनलिमिटेड ड्यूरेबिलिटी वाली स्वॉर्ड है। ये हम थोड़ा सा नॉन वेज खाना इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन वेट, हम खामखा अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पास 15 अनचेंटेड एप्पल है, इतने तो बहुत है गाइस। अब बारी है इस पोशन को ट्राई करने की ही, देखते हैं इससे क्या होता है। ये क्या गाइस, 3 हेल्थ बार और 7 इफेक्ट्स एक साथ, और ये स्पीड की इफेक्ट की वजह से एफओवी भी ज्यादा दिख रही है। स्पीड, स्ट्रेंथ, जंप बूस्ट, रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, इनविजिबिलिटी, हेल्थ बूस्ट, भाई साहब मजा ही आ गया। स्पीड से तो हम वेनस पे चलते चलते पहुंच जाएंगे, और यह जंप बूस्ट तो गाइस मतलब नेक्स्ट लेवल है। गाइस अब सिर्फ एक ही काम बचा है ओवरवर्ल्ड में करने को, और वो है आयरन माइनिंग, क्योंकि उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए हमारे पास शील्ड का होना जरूरी है, और एक बकेट भी साथ में रख लेते हैं। तो गाइस, वेनस पे जाने के लिए हम हो चुके हैं तैयार, क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं तो चलिए चलते हैं। आई थिंक ये सही जगह है रॉकेट प्लेस करने के लिए, और ये ग्लिच की वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा रॉकेट कैसा दिखता है। ये किया रॉकेट को प्लेस, और ये हम बैठ गए। एक काम करते हैं, इसे हम टीपीपी में देखते हैं। वाओ गाइस, क्या कूल दिख रहे हैं हम। अपने प्लेयर को ऐसे देख के तो ऐसा लगता है कि हम रॉकेट पे तो बैठे ही है, भले ही दिखे नहीं लेकिन फील तो आ रही है। तो ठीक है गाइस, अभी हम बढ़ते हैं वेनस की तरफ। तो चलो डालते हैं फ्यूल, और ये हम निकल पड़े गाइस। आई होप कि ये हमें वेनस तक पहुंचा है, क्योंकि पिछले 2 मिनट से मैं हवा में उड़े ही जा रहा हूँ। 2000 years later. तो गाइस, अभी हम लोग वेनस पे पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली गाइस, जैसे तैसे करके हम पहुंच गए हैं वेनस पर, और अब जाकर जान में जान आई। वैसे हमारा वेनस लैंडर काफी अच्छा है।
तो गाइस अब हम बारी बारी ये सभी वेनस माउंटेन्स के अंदर जाकर उस मॉन्स्टर को खोजेंगे, क्योंकि साइन बोर्ड के मुताबिक वो मॉन्स्टर हमें अंडरग्राउंड ही मिलेगा। गाइस मुझे लगता है हमें मॉन्स्टर तभी मिलेगा जब हम नॉर्मल सरफेस से अंडरग्राउंड जाएंगे। तो गाइस शायद मॉन्स्टर हमारे आसपास ही है, क्योंकि उसकी हेल्थ में दिख रही है। तो गाइस काफ़ी ढूंढा ढांडी के बाद भी हमें वो मॉन्स्टर नहीं मिल रहा है, तो हमें उसे अपने वेनस लैंडर के नीचे ही खोजना चाहिए। यस गाइस मेरा शक सही था, वो मॉन्स्टर का अड्डा हमारे लैंडर के नीचे ही था। इस ब्लॉक के नीचे ही वो वेनस लॉस्ट स्केलेटन का घर है। ठीक है गाइस तो चलते हैं। और ये क्या इतना बड़ा स्केलेटन? मजाक से अटके गाइस, इसको मारना तो वाकई में बहुत मुश्किल होगा। वैसे ये स्केलेटन से तो ज्यादा ये चिल्लर लोग परेशान कर रहे हैं। ओ भाई इस स्वॉर्ड का डैमेज तो देखो, लगता है ऐसे तो सिर्फ 5-6 हिट में ही ये मर जाएगा। यस गाइस तो हमने इस मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से मार दिया। हमें लगता था इसे मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बहुत ही इजी था। शायद हमें इसको मारने से एक चेस्ट मिली है, उसे हम ऊपर जाके ही खोलते हैं। पहले तो इन ज़ोंबियों को मिटाते हैं हम। ये क्या है? फ्रोजन रोटन फ्लोश, खा के देखते हैं। अरे इससे तो लेविटेशन का इफेक्ट लग गया। ओके तो इस चेस्ट को तोड़ते हैं।